बदलते बिहार में एक और नई तस्वीरों के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले साल में यानी इस 2023 में वो कौन 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो शुरू होने वाले हैं या कहिए तो जिनके बन जाने के बाद बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नंबर पर आमद से दरभंगा के बीच बनने वाले पहला एक्सप्रेस वे का। जी हाँ, बिहार के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर को या कहिए तो झारखंड बॉर्डर से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक को कनेक्ट करने वाला ये आमद से दरभंगा के बीच बनने वाला 119D एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। बिहार का यह पहला एक्सप्रेसवे है जो सीधा साउथ बिहार को उत्तर बिहार के कॉर्नर से जोड़ देगी और इसको बन जाने के बाद औरंगाबाद, गया, पटना, समस्तीपुर और दरभंगा जिले से कनेक्ट होते हुए सीधा दक्षिण बिहार से लेकर नेपाल बॉर्डर तक की आप यात्रा कर पाएंगे। इस कॉरिडोर पर जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, कुछ पेच इसमें फंसा हुआ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर इसका निर्माण पूरा होगा। सीधा दक्षिण बिहार से नेपाल बॉर्डर तक की आप यात्रा इस कॉरिडोर के जरिए कर पाएंगे। वहीं 2 नंबर पर हम बात कर लेते हैं गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे का। जी हाँ, यह बिहार का दूसरा और एक और एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। अंतर क्या है आमद दरभंगा और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में? दोनों ही एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल है, लेकिन सिलीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर के बीच बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन का कॉरिडोर होगा जिस पर एक तरफ से 3 गाड़ी जाएगी तो दूसरे तरफ से 3 गाड़ी आएगी। लगभग 519 किलोमीटर लंबे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में 419 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बिहार में आता है, इसलिए इसे बिहार का एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं। इसको बन जाने के बाद सीधा बंगाल बॉर्डर के सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गोरखपुर तक की आप यात्रा कर पाएंगे और ये पहले से बने ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर का एक वैकल्पिक रास्ता होगा और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी लोग इसे देख रहे हैं। 3रे नंबर पर हम बात कर लेते हैं जेपी सेतु के समानांतर एक नए गंगा ब्रिज का। जी हाँ, आपको हमने बताया है कि पटना में कुल 4 गंगा ब्रिज पटना शहर को कनेक्ट करेगा जिसमें से ये पटना के बीचों बीच जेपी सेतु के समानांतर एक नए 6 लेन गंगा ब्रिज का परिकल्पना साकार होने जा रहा है और इसके लिए टेंडरिंग का प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 महीने में इस कॉरिडोर पर काम शुरू हो जाएगा और लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे जेपी सेतु के समानांतर एक नया 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा जिसके बन जाने के बाद यहाँ पर यानी पटना के मिडिल सेंटर में 8 लेन की कनेक्टिविटी उत्तर से दक्षिण बिहार को या कहिए तो उत्तर बिहार से राजधानी पटना को मिलेगा और पटना को एक वैकल्पिक मार्ग मिलने लगेगा। इसके बाद हम 4थे नंबर पर बात कर लेते हैं दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का। जी हाँ, लगभग 21 किलोमीटर लंबा इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद खासकर पटना से आ रहा बक्सर या कहिए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए बड़ा ही सुगम रास्ता मिलेगा और 4 लेन के इस एलिवेटेड रोड का जो है टेंडर का प्रक्रिया फाइनल दौर में है। 31 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को बनना है जिसके लिए सबसे कम बोली जो है अशोका बिल्डकॉन नाम की कंपनी ने लगाया है। लगभग 2100 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण होगा और हमको जैसी जानकारी है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर इस कॉरिडोर पर भी आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं शेरपुर दिघवारा गंगा ब्रिज का। जी हाँ, पटना जिला को पश्चिमी छोर पर कनेक्टिविटी देने के लिए शेरपुर से लेकर दिघवारा के बीच में एक नए गंगा ब्रिज की परिकल्पना साकार होने वाला है और इस गंगा ब्रिज को बन जाने के बाद पटना को गंगा नदी पर 28 लेन का कनेक्टिविटी मिलेगा। 6ठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पटना से कोलकाता के बीच बनने वाले एक नए एक्सप्रेसवे का। जी हाँ, ये भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और इसको बन जाने के बाद सीधा पटना से लेकर के कोलकाता तक की कनेक्टिविटी मिलेगी। समझ लीजिए 3 राज्य आपस में जुड़ेंगे, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन 3 राज्यों को जोड़ने के लिए लगभग 550 किलोमीटर लंबा इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2023 के अंत तक पटना से लेकर के कोलकाता के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू हो जाएगा और 2 से 2.5 साल में इस कॉरिडोर को बनाने का लक्ष्य है। इसको बन जाने के बाद समझ लीजिए 2025 के चुनाव के बाद सीधा पटना से कोलकाता के बीच
सीधे गाड़ी दौड़ेगी, कहीं पर रोक टोक नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अब सातवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नए गंगा ब्रिज का। जी हाँ, लगभग 4.45 किलोमीटर लंबा इस गंगा ब्रिज का परिकल्पना अब साकार होने वाला है क्योंकि एसपी सिंगला नाम की कंपनी को इसका टेंडर अलॉटमेंट हो गया है। कुछ थोड़ा टेक्निकल बाधाएं हैं इसमें, लेकिन इसको अगर दूर कर लिया गया तो उम्मीद कीजिए कि इस साल के अंत तक, क्योंकि हाल ही में एक खबर आई थी कि इसको वन विभाग से क्लियरेंस मिल गया है, तो ऐसे में उम्मीद कीजिए कि इस साल में विक्रमशिला सेतु के समानांतर भी एक नया 4 लेन का गंगा ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा। और इसको बन जाने के बाद भागलपुर जिला को यहाँ पर 6 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी और विक्रमशिला सेतु पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आठवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं सामहो मटिहानी गंगा ब्रिज का। और इस ब्रिज का निर्माण लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय से लखीसराय जिले को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रिज का सॉइल टेस्टिंग चल रहा है अभी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो समझ लिए इस साल के अंत तक या इस साल के भीतर कभी भी इस ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा और बेगूसराय जिला सीधा लखीसराय से जुड़ जाएगा इस ब्रिज को बन जाने के बाद। नौवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं बिदुपुर पूर्णिया 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का। जी हाँ, बिदुपुर कच्ची दरगाह ब्रिज का जो कनेक्टिविटी पॉइंट है बिदुपुर से लेकर के पूर्णिया तक लगभग 215 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस साल शुरू होना है। अगर यह रोड बनता है तो सीधा पटना जिला से पूर्णिया तक की कनेक्टिविटी मिलेगी। जो पूर्णिया लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई की दूरी पर है वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगा इस ब्रिज इस रोड को बनने के बाद। और एक एक्सप्रेसवे के जरिए समझ लिए बिहार का पूर्वी छोर जुड़ जाएगा राजधानी पटना से, और खासकर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया इन जिलों से राजधानी पटना आना आसान हो जाएगा। दसवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं एम्स बेतिया 4 लेन कॉरिडोर का। जी हाँ, पटना के एम्स से लेकर के बेतिया तक 170 किलोमीटर लंबा 139W 4 लेन कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इस साल शुरू होना है। और इस रोड को बनने के बाद सीधा नेपाल के छोर यानी बेतिया के सामने से नेपाल बॉर्डर से राजधानी पटना तक का कनेक्टिविटी मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा पटना, छपरा, सिवान और बेतिया जिले के लोगों को, जो राजधानी पटना से सीधी तौर पर जुड़ जाएंगे। और इस कॉरिडोर को बनने के बाद राजधानी पटना से सीधा बेतिया तक की कनेक्टिविटी मिलेगी और कहिए नेपाल बॉर्डर को सीधा कनेक्ट करेगा यह रोड। इसके लिए भी DPR तैयार हो रहा है और इस साल के अंत तक या कहिए इस साल में कभी भी इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इन सभी प्रोजेक्ट पर आपका पसंदीदा चैनल वे फॉर यू नज़र बनाया हुआ है। जैसे जहां कोई भी गतिविधि शुरू होगा हम कैमरा लेके पहुंचेंगे, आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे यह 10 मेगा प्रोजेक्ट इस साल शुरू होने वाले हैं और इन 10 मेगा प्रोजेक्ट को बन जाने के बाद बिहार की तस्वीर तो निश्चित तौर पर बदलेगी। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस साल पूरे होने वाले हैं, उसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के सर्च करके उसे देख सकते हैं। इसी तरह का और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।